नहीं मिलेगी नागरिकता। ये जो ढोंग रच रही हो ना, एक बच्चा बच्चा जो पेट में बच्चा है ना, दुधमुआ बच्चा ना, 2 महीने का बच्चा समझ रहा है कि दो जो एपी सिंह तुमको व्हाट्सअप करता वही वही कर रही हो। तुम कौन होती हो गौ बचाने वाली? तुम कौन होती हो मेरी गलियों में नारा लगाने वाली? भारत देश तुम्हारी बाप का नहीं है, भारत देश तुम्हारी मौसी का नहीं है, भारत देश तुम्हारी नानी का नहीं है। तुम कौन होती हो? तुम कौन होती हो? तुम क्यों यहाँ आती हो? क्यों करती हो ये सब? सब मोदी जी पता तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा डाल करके तुमको उल्टा टांग देंगे। तुम्हें नहीं पता है तुम गलत कर रही हो? तुम्हें नहीं पता है तुम गलत कर रही हो? तुम कौन होती हो गौ बचाने वाली? ये ड्रामे गुलाम हैदर देखेगा, ये ड्रामे एपी सिंह देखेगा, ये ड्रामे तुम्हारे चाहने वाले आशिक देखेंगे, जो तुम्हारी सुंदरता के आशिक हैं, जो तुम्हारे चाहने वाले हैं। बाप रे बाप, कितनी बेशरम महिला है। मोमिन मलिक ने नोटिस भेजा है, कोर्ट से आने में कम से कम लगते हैं 21 दिन, बहुत जल्दी काम होगा तो 7 दिन। 7 दिन में तो शांति से बैठ ले, तो हवस के लिए आई है, प्यार के लिए आई, प्यार कर लेना। सचिन को प्यार करने के लिए पाबंदी लगाया क्या किसी ने? अंधेरे कमरे में तू जितना करना है कर, लेकिन गौ की बचाने वाली तू गौ खाने वाली कैसे होती है? बाप रे बाप, भारत देश में कोई औरत आकर के कितना बड़ा आतंक मचा रही है, और कोई औरत पकड़ के इसका कान पकड़ के इसकी छाती पे बैठ करके इसको मुक्का नहीं मार रही है? कोई रघुपुरा में मर्द नहीं है क्या? रघुपुरा में कोई 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 मर्द नहीं है क्या? क्या न्यूज नहीं देखती हो क्या तुम बेशर्मो? रघुपुरा वाले हम लोग न्यूज देखते हैं, जो कि यहाँ से रघुपुरा हमारे यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, हम न्यूज देखते हैं। और तुम लोग क्या देखते हो? तुमको ये अच्छी लग रही है, तुमको सुंदर लग रही है, ये इसके कर्म देखो। रघुपुरा में दोस्तों मैं बता देती हूँ, सरकार का अपमान किया जा रहा है, रघुपुरा में सनातन का अपमान किया जा रहा है, रघुपुरा में बदनाम किया जा रहा है भारत देश को। ये चाल है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई जा रही है, गौ के बहाने हिंदू मुस्लिम लड़ाया जाएगा, गौ के बहाने हम लोगों के बीच में आपस में मतभेद प्रकट करके छिड़ेगा युद्ध, दंगा छिड़ने के लिए कर रही, दंगा छिड़ाना चाहती है ये महिला। भारत देश में चतुर्थ युद्ध शुरू करना चाहती है। अभी देखना, अभी ये गौ का मसला, फिर मस्जिद का मसला, फिर मंदिर का मसला, फिर मोदी जी का मसला, फिर योगी जी का मसला, फिर ये धर्म पे आ जाएगी। इसको पकड़ के, इसकी टांग फाड़ करके इसको फेंको। हेलो दोस्तों, जिस तरह से मैं देख रही हूँ, आज तो सीमा हैदर बिल्कुल बिल्कुल अत्याचार मचा चुकी है। अच्छा एक बात बताओ, इसको किसने दिमाग दिया कि तुम गौ के विषय में काम करो, गौ की सेवा के लिए कुछ करो, गौ के बचाव के लिए कुछ करो, गौ के लिए नारा लगाओ? गौ का तो जो कानून मेनका गांधी ने उठाया था, बहुत सारे हरियाणा के, जिसमें इसके हरस चिकाड़ा हो गया, चंदन करके हो गया, राहुल करके हो गया, जो गौ पालन मतलब गौ सेवा धाम खोल रखे थे, गौशाला खोल रखे थे, इनके ऊपर केस चले थे, ये सब लोग तो कब का उठा चुके हैं। कुछ सिख की टोली आई थी गौ के लिए, आगे बचाने के लिए। यार गौ का कानून पहले से चल चुका है, मोदी जी जब से योगी जी आए हुए हैं उत्तर प्रदेश में, गौ और साढ़ पे कानून बन चुके हैं। तुमको अब किसने कह दिया कि गौ का अत्याचार हो रहा है, गौ पे दिखा करके तुम नागरिकता मांगो? मेरा कहने का मतलब, तुम्हारे दोस्त भी सठिया गए हैं, तुम भी सठिया गई हो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तुम्हारा सठियाया हुआ नहीं चलेगा, तुमको नागरिकता नहीं मिलेगी। तुम गौ की पूजा करके दिखाओगी, नारा गली गली में लगाओगी, तुमको पड़ेगा लात। पूछो क्यों? क्योंकि तुम भारत देश की नारी नहीं हो, तुम गाय खोनी हो, पति को धोखा देनी हो, तुम बच्चों के भविष्य बर्बाद करनी हो, बच्चे तुम्हारे 1 साल से पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे तुम्हारी जितनी उम्र का तुम्हारा दूसरा खसम है, नंबर 2 वाला खसम बता, जिसकी रखेल तुम बनी हुई हो कोठे की, उसी से थोड़ा सा 5-7 साल छोटी तुम्हारी बेटियां हैं। तुम क्या तुम भाषण दे रही हो? हमें पता नहीं है गौ की रक्षा करना है? गौ में हमारे 33 करोड़ देवता वास करते हैं, गौ की पूजा श्राद्ध में होती है, गौ की पूजा पितरों में होती है, गौ की पूजा कन्या की पूजा, ये सब हमें पता नहीं है, है? गौ पालन का सिस्टम हमें पता नहीं है, मरने के बाद बैतरणी नदी में गौ पार करती हमें पता नहीं है, गरुड़ पुराण में गौ को पुजाने के लिए मरने के टाइम हमें क्या क्या विशेष महत्व दिया गया पता नहीं है। तुम बताओगी? तुम मुस्लिम देश से आई हुई कंट्री से तुमको लात खाने का चाहिए था? भारत देश की महिला जितनी है सब छक्की हैं, हिजड़ी हैं, एक खाली अय्याशी करती हैं, एक खाली बच्चा पैदा करती हैं, दूध पिलाती हैं, बच्चे को सिर्फ सेवा करके घर में बैठी रहती है, पति के लात खाती हैं। नहीं तो तुमको तो अभी की टंगड़ी पकड़ पकड़ के तुम्हारे एक एक बाल ऐसे 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 उखाड़ लिया जाता। शर्म करो बेहिश औरत, तुम दूसरे तुम किसको सिखा रही हो?
गौ भारत देश की, कानून भारत देश का, सनातन धर्म भारत देश का, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जन्म लिया भारत देश में, मथुरा में, वृंदावन में, काशी में, उत्तराखंड में, अयोध्या में, नैमिषारण में, सब कुछ भारत देश का, पर आए नगरी में मुल्ला दीवाना, पर आए देश में मुल्ली दीवानी हो रही है। कहाँ गई भारत की नागरिकता, भारत की नौ औरतें कहाँ गई जो सेवा कर रही है दुनिया की? क्यों नहीं रोड पे आती हैं? मेरे पीछे आओ ना, मैं तैयार हूँ, मेरा एड्रेस लो ना, तुम एक कमेंट तो करो कि मैं तैयार हूँ, 10 औरतें आओ, इसको टंगड़ी पकड़ के गन 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 इसको नचा के हम आकाश में फेंक देंगे। भाई गौ हमारी है, हम बचा लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। सनातन धर्म हमारा है, हम बचा लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। शिव जी की पूजा किस तरह से होती है, शिव अभिषेक किस तरह से होता है, हम कर लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। शिव जी की शिवरात्रि की क्या महत्व है, विशेष हम थी उसको कथा है, हम बता देंगे, जाओ यहाँ से। अहोई व्रत, दीपावली व्रत, उसके बाद जितने भी पति से रिलेटेड करवा चौथ व्रत हो गया, या फिर सकट चौथ, गणेश चौथ, उसके बाद डिठौन हो गया, जितनी होली चौकर नवरात्रि पूजन, सब कुछ हमें आता है। और इस तरह से आता है ना कि एक पंडित फेल हो जाएगा। अरे हम पंडितों को बताते हैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तुम कल की औरत आई टांग उठा उठा करके ऐसी तैसी करवा रही, तुम रघुपुरा में अवैध किसी संतान से, किसी अवैध आदमी से, उसकी रखेल बनी हुई औरत गौ की रक्षा कर पाएगी? तेरी औकात है? आज तक भारत देश में कोई औरत की टोली नहीं निकली गौ की रक्षा के लिए, पहली बार पाकिस्तानी औरत टोली निकली है। क्या चाहती हो, क्या चाहती हो? पहले तो तुम अपने पति को सेटिस्फाइड करो ना। पहले तो तुमने जहाँ जन्म लिया, जहाँ पे शिक्षा ली, जहाँ पे कपड़े पहने, जहाँ पे पानी पिया, जहाँ पे हवा लिया, जहाँ पे शिक्षा लिया, जहाँ पे सांस लिया, जहाँ की नागरिकता, जहाँ की वोटर लिस्ट आईडी मिली तुझको, जहाँ की तू पहले रक्षा करना। तेरा पति दरगाह पे सर पटक रहा है, जाके मनाना उसको। कहते नहीं घर के, नहीं तो घर के देवता भूखे मरे, बाहर के देवता गैस से मरे जा रहे, खाए खाए पेट भरा जा रहा उनका है? घर के देवता लाए बाहर के पूजा मांगे? शरम कर, शरम कर, ये तुम्हारी बेवकूफी नहीं है, इंडिया की बेवकूफी है, मोदी सरकार की बेवकूफी है। आज मोदी सरकार पे उंगली उठ रही है और हम जैसी तुच्छ महिला उठा रहे हैं। किसकी वजह से? तेरी वजह से। हम जैसे गैतल और घटिया महिला आज मोदी सरकार पे उंगली उठा रही है। हम जैसी घटिया औरत जो किसी काम की नहीं है, बस घर में बैठकर पेट भर भर के पूरा अन्न बर्बाद कर दिया, वो आज मोदी सरकार पे उंगली उठा रहे। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। हमारे सनातन की बदनामी तुम्हारी वजह से हो रही है। अरे माँ बार बार वकील तुमको बता रहा है, नोटिस वहाँ से आने में टाइम लगेगा, चुपचाप घर में बैठ जा। तू उस प्यार के लिए प्यार करना, तू सजिन के पास बैठना, तू नेत्रपाल को पैसा दिया है ना उसको खुश करना, तुम अपनी ननद को खुश करना। गौ की रक्षा हम कर लेंगे, पहले अपने पति को सेटिस्फाइड कर, पाकिस्तान को सेटिस्फाइड कर, पहले अपने धर्म को देख, पहले अपने बच्चों की पढ़ाई देख।